मुझे समझ नहीं आता कि ये स्कूल दिन में क्यों लगते हैं, रात को क्यों नहीं। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं स्कूल में बोर होता हूँ। स्कूल में मुझे अच्छा लगता है। मुझे स्पोर्ट्स, म्यूजिक, डांस, थिएटर, ये सब सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं। पर एक सब्जेक्ट जो मुझे समझ में नहीं आता वो है आर्ट। मुझे कलर्स नहीं समझ आते। मैं रंगों को सिर्फ उनके नाम से जानता हूँ। इस वजह से मैंने कई बार अपनी आर्ट टीचर से डांट भी खाई है। ऋत्विक, तुम्हें ये नहीं पता आसमान का कलर कैसा होता है? साइलेंस, ये ब्लू कलर पकड़ो और ये वाला करो। मुझे समझ ही नहीं आता था कि लोग पेंटिंग में क्या देख रहे हैं। जब इस बात के बारे में प्रिंसिपल ने मेरे घर वालों को बताया, तब मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए और पता चला कि मुझे कलर ब्लाइंडनेस है। रहीम, ये सूरज का रंग कैसा है? सूरज का रंग ऑरेंज होता है। ऑरेंज कैसा होता है? जैसे अगर तूने आग देखी हो तो आग जैसा ऑरेंज होता है। और ये पानी का? पानी का भी ब्लू ही है। और ये पेड़ की पत्तियों का? पेड़ के पत्तों का ग्रीन है। और ये पत्थर का? सिल्वर। ये ले एप्पल। नहीं खाना। क्यों, क्या हो गया? मेरा एक दोस्त है ऋत्विक, उसका सारे मजाक उड़ाते हैं। क्यों? उसको रंग नहीं दिखते ना। उसको रंग नहीं दिखते? नहीं। ये छोटी सी बात है, इसमें क्या है? पता है इसके चश्मे भी आते होते हैं। छोटी सी बात है ये, चिंता मत कर। मंगवा के दे दे। हाँ क्यों नहीं, कल इसकी मम्मा को मैं चाय पे बुला लेती हूँ, ठीक है? चिंता मत कर, अब तो खा ले। अस्पताल के बिस्तर पर पड़े ये हैं प्रेमकांत बघेल। प्रेमकांत शिव विहार के रहने वाले हैं, जहां दिल्ली के दंगों में सबसे ज्यादा हिंसा भड़की। दंगाइयों ने कई घरों को आग के हवाले कर दिया। प्रेमकांत के पड़ोस में भी एक मुस्लिम परिवार का घर जल रहा था, जिससे लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी। ऐसे में प्रेमकांत से रहा नहीं गया, वो अपनी जान की परवाह किए बगैर लपटों से घर में घुस गया। अरे ये तो लेके जा। एक कर छह लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। वो गाड़ी चला के आ रहे घर। माँ, ये हिंदू मुस्लिम में क्या फर्क होता है? कोई फर्क नहीं होता बेटा, दोनों इंसान ही होते हैं और दोनों के लहू का रंग लाल होता है। मुझे रहीम ने बताया था कि एक चश्मा है जिससे मैं रंग देख सकता हूँ और फिर मैं खून का लाल रंग भी देख सकूंगा। रहीम की मम्मी को चश्मे के बारे में पता है कि वो कहाँ से मिलता है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं रहीम की मम्मी से बात करके चश्मा मंगवा लेती हूँ। अच्छा अब जा बेटा। रहीम, चले। चल। रहीम, ये झंडे का रंग क्या है? ग्रीन। अच्छा, अरे अरे बहन जी, इसकी क्या जरूरत थी? लीजिए लीजिए, मेहमान है, पहली बार आया। अरे ये भी लीजिए। और सब खैरियत? हाँ बस चल रहा है सब कुछ, आप बताओ। हाँ जी बिल्कुल, अल्लाह की दुआ से। मैं आई थी ऋतिक को। जानती हूँ, रहीम ने बताया था हमें ऋत्विक को रंग नहीं दिखते। आप घबराइए ना, छोटी सी बात है ये, हम जानते किसी वजीर साहब को, उनसे बात कर लेंगे।
आपका चश्मा भी आ जाएगा। हम आपका कैसे शुक्रिया अदा करें। इसमें से क्या बात हुई, आपका बेटा मेरा बेटा एक ही तो बात है। मैम ये पार्सल। ऋत्विक, ऋत्विक। यस मम्मा। बच्चा क्या कर रहे हो? मम्मा मैं गेम खेल रहा हूँ। अच्छा फिर तुम्हें अपना गिफ्ट नहीं चाहिए? गिफ्ट किधर है? अरे अरे रुक तो सही एक मिनट। नहीं मम्मा मुझे नहीं पहनना। क्यों क्या हुआ? मैंने अपने दोस्त रहीम को प्रॉमिस किया था कि हम दोनों एक साथ इस चश्मे से आसमान में देखेंगे। रहीम जब मेरा चश्मा आ जाएगा ना तब हम एक साथ ही आसमान देखेंगे। ठीक है। आयशा 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 कुछ दंगाइयों ने अपने रहीम की फैमिली को मार दिया। रहीम की फैमिली को? ऋत्विक रुक एक मिनट। ऋत्विक जो होना था वही हुआ। इस झंडे की वजह से दंगाइयों ने इनका हंसता खेलता परिवार मार दिया।